हेलो एवरीवन, आज हम सिक्स क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 15 हैं। हमारे चारों ओर वायु में दिए गए कार्य पत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। ये कार्य पत्रक एक है और इसमें दिया है, प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि पतंग आसमान में उड़ रही है, पेड़ की पत्तियां खड़खड़ा रही हैं, तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिल रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें और बताएं कि उपरोक्त क्रियाकलाप क्यों हो रहे हैं। तो हाँ बच्चों, आपने पतंग भी उड़ता देखा होगा, पत्तियां भी हिलती खड़खड़ाती हुई देखी होगी, और तार पर लटकते हुए कपड़े हिलते हुए भी दिखाई दिए होंगे आपको। तो ये क्यों होता है, तो इसने कहा क्रियाकलाप क्यों हो रही हैं, तो हम इसमें लिखेंगे कि ये सभी क्रियाकलाप वायु की उपस्थिति के कारण हो रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्या सभी ने यह जान लिया है कि उपरोक्त क्रियाकलापों में वायु का योगदान है। वायु के कारण ही कपड़े हिलते हैं, पतंग उड़ती है, और पत्ते जो हैं वो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। वास्तव में वायु कोई एक पदार्थ नहीं है, ये बहुत से गैसों का मिश्रण है। वायु में निम्न अवयव होते हैं, तो अब देखिए बच्चों, वायु में जलवाष्प होती हैं, वायु में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, धूल तथा धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हैं वायु में होती हैं। अब जो है नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन है वो 21% होती है, और बाकी जो 1% है उसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हैं, अन्य गैसें जो हैं वो आ जाती 1% में। यहाँ आगे इसने दिया है कार्यपत्रक दो कि अपने सहपाठियों व अध्यापक की सहायता से निम्न गतिविधियों को कक्षा कक्ष में करें, अपना निष्कर्ष उपयुक्त स्थान पर लिखें। इसमें है पहली गतिविधि कि दो जलती हुई मोमबत्ती लो, उनमें से एक पर कांच का गिलास उल्टा कर रख दो। जो मोमबत्ती लेते हैं और कांच का गिलास उस पर रखते हैं, तो इसमें कि आपने क्या देखा, ऐसा क्यों हुआ, ये हमें लिखना है। जब मोमबत्ती लेते हैं, दो मोमबत्ती है तो दोनों में से एक पर कांच का गिलास रखते हैं, तो जिस पर कांच का गिलास रखा है वो मोमबत्ती बुझ जाती है, मोमबत्ती बुझ जाएगी, ऐसे लिखेंगे हम इसमें, मोमबत्ती जो है वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और क्योंकि लिखेंगे हम जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जब हम उस पर कांच का गिलास रखेंगे तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और मोमबत्ती बुझ जाएगी। अब इसी तरह से यहाँ पर है कि बोतल को खुले मुख की तरफ से पानी की बाल्टी में डुबो। पानी की बाल्टी में अगर डुबोएंगे, यानी कि एक पानी की बाल्टी है, देखिए ये पानी की बाल्टी है, और जब हम इस बाल्टी में एक बोतल को ऐसे जो है डुबोते हैं खुले मुख की तरफ से, यहाँ ये मुख है, इस तरफ से डुबोते हैं, तो ये कहता है फिर क्या होता है, तो पानी नहीं भरेगा, क्या होगा, इसमें पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें वायु भरी है, यहाँ आ जाएगा इस खाने में लिखेंगे, क्योंकि इसमें वायु भरी है, और इसमें हवा भरी है बोतल में,
और इसी वजह से जो है ये पानी नहीं भरेगा इसमें। और अगर हम इस बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा करके और इस तरह से डुबोते हैं, अगर सीधे की बजाय ऐसे सीधे करने की बजाय टेढ़ा ऐसे डुबोते हैं, तो धीरे धीरे जो है इसकी हवा निकलती रहेगी, पानी इसके अंदर जाता रहेगा। और जब हवा निकलती है तो हमें पता भी चलेगा, क्योंकि बुलबुले उठेंगे। अब आगे यहाँ पर है कि एक गिलास जो उसमें बहुत ठंडा पानी भरकर थोड़ी देर के लिए रख दो। एक गिलास है और जब हम उसमें ठंडा रख देंगे, उसमें पानी बिल्कुल चिल्ड पानी रखेंगे, थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो क्या देखते हैं कि गिलास के अंदर चारों ओर बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गिलास के अंदर चारों और, गिलास का जो बाहरी हिस्सा है ना वहाँ मिलेगी, गिलास के बाहरी हिस्से पर चारों ओर बूंदें इकट्ठी हो जाएगी, क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प होते हैं, वे इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प होते हैं, वे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट है कि एक कांच के बर्तन में पानी को उबाला जा रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे वाष्प बनते हैं और पानी उबलता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पानी में वायु है। यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि पानी में वायु है। आगे है कि यहाँ पर नेक्स्ट कि जब मिट्टी के ठेले पर पानी डाला जाए, जब मिट्टी का ठेला होता है तो उस पर क्या होता है, बुलबुले बनते हैं। इसमें हम लिखेंगे बुलबुले बनते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी के ठेले में वायु है। इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि मिट्टी के ठेले में वायु है। अब आगे इसी तरह से कार्यपत्रक तीन दिया है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ, वह गलत कथन को ठीक करके लिखो, साथ में ठीक करके लिखना भी है। यहाँ दिया है कथन पहला कि गतिशील वायु को हवा कहते हैं, तो ये गलत है। गतिशील वायु को हवा नहीं, उसे पवन कहते हैं, तो यहाँ पवन आएगा। दूसरा है कि ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक नहीं है, ये भी गलत है। ऑक्सीजन जो है वो आग जलाने में सहायक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है। ये पूरा आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा हाफ ही लिखती हूँ, आग जलाने में सहायक, मैंने इतना ही लिख दिया है। ऐसे ही ऊपर वाला भी जो कथन है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ऐसे पूरा लिख देना है आपको। तीसरा है कि जल तथा मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होती, तो यहाँ पर भी ये गलत है, ऑक्सीजन होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑक्सीजन होती है, यानी जल और मिट्टी में ऑक्सीजन होती है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से आगे है कि मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की सहायता से सांस लेती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसे टिक करेंगे। यहाँ नेक्स्ट कथन है कि वायु जगह नहीं घेरती, तो ये भी गलत है, इसे क्रॉस करेंगे। वायु जगह घेरती है, हम यहाँ लिखेंगे वायु जगह घेरती
है। अब यहाँ आगे नेक्स्ट पार्ट आ जाता है और ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे बच्चों। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।